हेलो भाई मानो दोस्तों मित्रों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 24 अगस्त 2021, दिन मंगलवार, ट्यूसडे हो गया। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, भारतीय लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक नई स्कीम शुरू की गई है। अगर आपका भी बैंक खाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। तालिबान के मसले को लेकर भारत सरकार ने एक नई रणनीति बनाई है। वहीं दोस्तों तालिबान के विरोध में तालिबानी लोग मारे भी गए हैं कई सारे, क्या जानेंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर सबसे खतरनाक चेतावनी अब वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं सरकारी नौकरी को लेकर अब भी अपडेट है, पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब्स निकली हैं, वैकेंसीज हैं, डिटेल्स जानेंगे और मौसम समाचार भी जानेंगे। एक एक करके कुल मिलाकर के आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो टेक न्यूज के तहत अपडेट देखिए, आपकी सफर तय करना अब आपका और भी आसान होगा, क्योंकि गूगल मैप में एक नया फीचर आने जा रहा है जो आपको बता देगा दोस्तों कि आप जिस रूट से कहीं पर जाने वाले हो ना, तो उस ट्रिप पर आपको कितने रास्ते में टोल मिलेंगे और उन टोल का क्या क्या चार्ज है, मतलब कितने टोल मिलेंगे ये तो आपको अभी भी पता चल जाता है, लेकिन टोल पर किस टोल पर आपको कितना टोल टैक्स चार्ज देना पड़ेगा, तो ये चीज भी अब आपको गूगल मैप में पहले से पता चल जाएगी। तो बहुत जल्द गूगल मैप्स के नए अपडेट में ये न्यू फीचर आपको देखने मिलेगा। अच्छा, वहीं अगली खबर देखिए, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी इंपोर्टेंट न्यूज है। आयुर्वेद के कुछ एक्सपर्ट्स ने ये निष्कर्ष निकाला दोस्तों कि जो तवे पर बनी रोटी होती है ना, उसके बजाय जो मिट्टी के तवे पर बनी रोटी होती है वो आपको कब्ज और गैस से राहत देती है और भी इसके कई फायदे होते हैं। आयुर्वेद के वैज्ञानिकों ने ये स्टडी करके पाया दोस्तों कि जो लोहे का या एल्यूमिनियम का तवा होता है ना, उसके बजाय जो मिट्टी का तवा होता है जिसे साधारण भाषा में खेलड़ी खेली वगैरह ये कहते हैं, तो उस पर बनी हुई, उस पर सिकी हुई जो रोटी होती है ना, वो हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। ना सिर्फ वो खाने में स्वादिष्ट होती है बल्कि पौष्टिक तत्व भी उसमें ज्यादा मौजूद होते हैं और इसके अलावा वो पेट में कब्जी गैस वगैरह से भी राहत दिलाती है, है ना, मतलब कितनी एक चौंका देने वाली बात। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के धरने पर देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर समाधान निकाले। आपको पता होगा काफी समय से किसान भाई लोग जो है ना, वो सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर, मतलब लगभग 8-10 महीने होने में होंगे, किसान भाई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, राइट। तो इस आंदोलन की वजह से क्या है कि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या, कई जगहों पर और दूसरी पब्लिक को परेशानी हो रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दे दिया कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर किसानों के साथ मिलकर कोई समाधान निकाले, समझौता करे इस पे। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार और किसान भाई लोगों के बीच क्या सहमति बनती है और किस आपसी सहमति के बाद किसान आंदोलन अपने इस आंदोलन को खत्म करते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और बाकी आपको पता होगा पंजाब में भी किसान भाई लोग जो अपने गन्ने की फसल की कीमतों को बढ़ाने के मकसद से विरोध कर रहे हैं, तो इसके चलते पंजाब अमृतसर एक्सप्रेस वगैरह ये कई रूटों पर जो इधर की साइड में चलने वाली ट्रेनें हैं वो भी बाधित हैं, लगातार तीसरे दिन भी ट्रेनें कैंसिल रही इसके चलते, है ना। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, होंडा कार्स कंपनी अपने ग्राहकों को कार खरीदने में अब मदद करेगी। अच्छा, क्योंकि दोस्तों होंडा कंपनी ने केनरा बैंक के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है, साझेदारी की है, और उसके जरिए होंडा की कार अगर आप कोई खरीदते हैं तो आपको केनरा बैंक से अब तुरंत आसानी से क्विकली लोन मिल जाएगा, ओके। और साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार जो इस तरह की प्लानिंग भी बना रही है कि किसान भाई लोगों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये जानकारी राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की तरफ से दी गई है। अब देखना है कि ऑफिशियली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ये कब लागू कर दी है। वैसे भी केंद्र सरकार ने योजना निकाल रखी है, उसके तहत मतलब 1.5-2 लाख रुपए तो सालाना किसानों को बिना ब्याज के मिलते भी हैं, राइट। लेकिन अब ये राज्य सरकार अलग से योजना किसान भाई लोगों के लिए निकालने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी ही दुख की बात है, कल ही हमारे देश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम राज्य से लेकर उत्तरी बंगाल तक भूकंप के झटके जो है उनसे धरती कांप गई और दहशत के मारे कई सारे लोग घर से बाहर भी निकल गए, लेकिन भगवान की गनीमत रही दोस्तों की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी के बेटे अभिषेक बच्चन की तबीयत ठीक नहीं है, उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये कुछ तस्वीर देख सकते हैं, कल ही अमिताभ बच्चन जो है श्वेता के साथ उनसे मिलने भी पहुंचे, हम जल्द उनके ठीक होने की प्रे करते हैं। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का जो निधन हुआ उसके बाद योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। देखिए, डिप्टी CM केशव मौर्य ने ऐलान किया कि कल्याण सिंह जी के नाम पर राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाली सड़क का नाम रखा जाएगा, और सिर्फ इसी सड़क का ही नहीं बल्कि उनके नाम पर 6 जिलों की सड़कों का नामकरण जो है ना वो कल्याण सिंह के नाम पर होगा, क्योंकि वो एक बेहद अच्छे और आदर्श और परिपूर्ण राजनेता थे। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के बाद टोक्यो के पैरालंपिक गेम्स 2020 जो है वो आज से शुरू होने जा रहे हैं, मंगलवार से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, टोक्यो पैरालंपिक में हमारे भारत से 54 खिलाड़ी जो है वो अलग अलग मैच खेलने के लिए जा रहे हैं और उम्मीद है कि कोई न कोई पदक तो जरूर जीत कर लाएंगे। बेस्ट ऑफ लक इन सभी प्लेयर्स को। अच्छा दोस्तों, अगर आप भी विदेश में पढ़ाई लिखाई करने की सोच रहे हैं ना, तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अब स्टूडेंट्स के लिए एक नया ऑफर निकाला है और इसके तहत विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को SBI जो है ना
1.5 करोड़ रुपए तक का लोन इश्यू कर देगा। 7.5 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का लोन आप एजुकेशन लोन जो है SBI से अब इश्यू करा पाएंगे। ये नई खास सुविधा निकाली SBI ने खास करके मतलब स्टूडेंट्स को आगे बड़ी पढ़ाई करने के लिए। अगर आप अमेरिका, US, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो आपको SBI की तरफ से ये लोन इशू कर दिया जाएगा। और लड़कियां अगर ये लोन लेती हैं तो उनको स्पेशली मतलब 0.5% ब्याज में छूट मिलेगी, है ना। बाकी नॉर्मली 8.65% रेट पर आपको SBI लोन दे देगा। अच्छा, साथ ही खबर देखिए एजुकेशन की जब बात हो रही तो यूपी के अंदर पोस्ट ऑफिस में रिक्रूटमेंट निकली है 10वीं पास के लिए। 4,264 वैकेंसी है टोटल। ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर ये वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स epipost.in के जरिए। योग्यता इसमें 10वीं पास मांगी है। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि 10वीं तक के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी और उसी से इसमें सिलेक्शन भी कर लिया जाएगा। ओके, और साथ ही खबर देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा अपडेट में आपको बता दूं, मारुति सुजुकी कंपनी टोयोटा के साथ मिलकर सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड कार बना रही है। यानी कि कार तो इलेक्ट्रिक होगी और वो छत पर, रूफ पर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे और जिससे कि कार आपकी सड़क पर चलती हुई ऑटोमेटिक धूप से चार्ज भी होती रहेगी। तो ये वाकई में मतलब एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी होगी। हालांकि दोस्तों कई सारी कंपनी जो है इस तरह से सोलर रूफ वाली कार बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। अच्छा, सोलर की जब बात हो रही है ना तो और एक अच्छी खबर देखिए, राजस्थान में सोलर एनर्जी पर बड़ा निवेश किया जाएगा। उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और तकरीबन राजस्थान में 4,500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा भी जताई। तो ये मतलब राज्य में बिजली उत्पादन को लेकर एक अच्छी प्लानिंग है। वहीं देखिए बड़ी खबर, 31 तारीख के बाद अगर नई गाड़ी में आपका ये फंक्शन नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत आ जाए। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने कारों में लगने वाले एयरबैग को लेकर नियम बदले हैं और आप ही की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने ये नियम कंपलसरी लागू कर दिया कि अब 31 अगस्त के बाद जो भी कारें आने वाली हैं उन कारों में कम से कम 2 एयरबैग तो होना जरूरी होगा। मतलब आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग होना अब कंपलसरी होगा, तभी वो कार मार्केट में बिक पाएगी 31 अगस्त के बाद, है ना। ऑटोमोबाइल से जुड़ी और एक खबर देखिए दोस्तों, रेनॉल्ट कंपनी ने पहलवान रवि दैया और बजरंग पुनिया को काइगर SUV गिफ्ट की है जो दोनों ही ओलंपिक में मेडल जीत के लाए थे। अच्छा, ई फिलिंग पोर्टल पर जो दिक्कतें आ रही दोस्तों, सरकार ने इसकी डेडलाइन तय कर दी है। 15 सितंबर तक अब एनीहाउ इंफोसिस कंपनी को टैक्स पोर्टल की गड़बड़ियों को दुरुस्त करना होगा, यानी कि निकालना होगा। काफी समय से आपको पता होगा इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल हाल ही में सरकार ने बनवाया ई फिलिंग पोर्टल, उसमें खामियां आ रही है, कुछ बग्स वगैरह कुछ कमियां हैं, तो उनको अब 15 सितंबर तक दूर कर लिया जाएगा। ओके, और साथ ही एक गुड न्यूज देखिए, सेना में पहली बार सिग्नल और इंजीनियर्स कोर की महिलाओं को भी कर्नल रैंक मिलेगा। जी हां, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और अंग्रेजों के जमाने के नियमों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और इसी तरह से सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले के चलते सेना सिलेक्शन बोर्ड ने सेवा के 26 साल पूरा होने पर 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोट करने की मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा आपको बता होगा हाल ही में मतलब अभी जो हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस निकला, इस मौके पर दिल्ली के लाल किले से PM मोदी ने भी घोषणा की थी कि अब आर्मी सभी स्कूलों में मतलब जितने भी सैनिक स्कूल है उसमें लड़कियों का भी एडमिशन हो सकेगा, तो ये भी एक राहत की बात है। अच्छा, अब अपन नजर डाले दोस्तों मौसम समाचार को लेकर, कुछ खबरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मौसम विभाग का ये कहना है कि मानसून पर अब आज से एक सप्ताह तक ब्रेक लगेगा और कई राज्यों के कई क्षेत्रों में जो अब बारिश कम होगी धीरे धीरे। राजस्थान के लिए भी देखिए फिर मानसून कमजोर पड़ रहा है। अगले 4 दिन तक राजस्थान में भी भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। तापमान भी बढ़ सकता है। पश्चिमी राजस्थान में सूखे जैसे हालात अभी चल रहे हैं। वहीं देखिए उत्तराखंड के चंपावत में कल ही बड़ा भूस्खलन देखा गया। टनकपुर नेशनल हाईवे बंद हो गया इसके चलते। लेकिन फिर भी मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आज बादल बरस सकते हैं। वैसे संपूर्ण भारत का आज 24 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और गुजरात और लक्षद्वीप, इन राज्यों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या तेज बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा अगले 24 घंटों के दौरान का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की जो बात करें ना, तो अभी देखिए सोने का रेट क्या चल रहा है। सराफा बाजार में सोना 47,306 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं चांदी लगातार गिरावट के चलते 62,202 रुपए प्रति किलो पर अभी चल रही है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। वहीं बात करें कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर, तो देखिए आप कोरोना की तीसरी लहर की अधूरी तैयारी पर चेतावनी आ रही है। गृह मंत्रालय की कमेटी ने सरकार से कहा कि कोरोना की इस लहर से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है और अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर का पीक हो सकता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों की तरफ से भी ये चेतावनी आ रही दोस्तों कि सितंबर के महीने में लास्ट में कोरोना की तीसरी लहर का असर शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में पीक आ सकता है और उसके बाद हर दिन 5 लाख केस मिलने की संभावना है। और इसलिए गृह मंत्रालय की कमेटी ने एक रिपोर्ट में ये भी कहा कि डॉक्टर, स्टाफ, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है प्रॉपर कर ली जाए, है ना। तो आप भी सावधान रहिएगा, सितंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। अच्छा, वहीं कोरोना के खिलाफ देखिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। PM केयर
फंड की मदद से वैक्सीन ट्रायल की दिशा में और भी बड़ा कदम उठाया गया। जी हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है ना, वो अब वैक्सीन को और भी आगे बढ़ाने के लिए अपना समर्थन करते हुए जारी है और सरकार कुल मिलाकर के पीएम केयर फंड का भी इस्तेमाल अब वैक्सीन की नई खोज में लगा रही है। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से अनलॉक होंगे दारुल उलूम, शर्तों के साथ कक्षाएं वगैरह लग पाएगी। तो जिस तरह से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जा चुका है, इसी बीच अब दारुल उलूम को भी खोलने का फैसला किया गया है, जो कि ये अलग ही तरह के स्कूल है ना। वही बड़ी खबर देखिए, 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को पहले लगाई जाएगी जायकोव डी वैक्सीन। सरकारी पैनल प्रमुख से इस वैक्सीन को मंजूरी भी मिल चुकी है और मंजूरी मिलने की प्रक्रिया सितंबर या अंत में अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। अब प्रोसेस कुल मिलाकर के शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के साथ ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन भारत में अवेलेबल हो जाएगी, है ना। वही देखिए, उत्तराखंड सरकार जो है भले ही कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन इसी बीच 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा चुकी है और अब 31 अगस्त तक उत्तराखंड राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा। तेलंगाना सरकार 1 सितंबर से सभी स्कूल वगैरह खोलने जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने ये ऐलान कर दिया। ओके, तो कोरोना से संबंधित ये कुछ अपडेट रहे हैं। भारत में कोविड के पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो बड़ी राहत की बात है कि मामलों में लगातार तेजी से गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटों में 15,000 से भी कम नए मामले देखे गए, जबकि 266 लोगों की जान गई। भारत में अभी एक्टिव केस की संख्या 3,21,000 चल रही है और कुल मरने वालों की संख्या 4,35,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और बाकी आपको बता दूं, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों का ये कहना है, ये एक राहत की खबर है कि अक्टूबर तक कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाएगा और तीसरी लहर आएगी भी नहीं, समझ रहे हो ना। लेकिन आपको और हमको ये मान के नहीं चलना कि तीसरी लहर आएगी भी नहीं। हमको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, सावधानी बरतनी है, सावधान रहना है, मास्क जरूर लगाएं जब भी घर से बाहर निकले। ओके, वही देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान और तालिबान का जो मसला चल रहा है, उस पर अब अमेरिका को तालिबान की चेतावनी मिली कि 31 अगस्त तक काबुल से खाली कर लो सेना, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मतलब अब तालिबान अमेरिका को खुली धमकी भी दे रहा है कि 31 अगस्त तक काबुल से जो अमेरिका अपनी सेना हटा ले, वरना इसका खामियाजा महंगा भुगतना पड़ेगा। ये तालिबान ने अमेरिका को कहा है। जबकि देखिए दोस्तों, तालिबान का एक बड़ा बयान ये भी निकल कर आ रहा है कि जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक है, तब तक वो सरकार नहीं बनाएगा। और इसके अलावा अफगानिस्तान में अब विद्रोह का बिगुल भी फूंका जा चुका है, यानी कि अफगानिस्तान के जो लोकल लोग हैं और वहां की जो आर्मी के कुछ लोग हैं, वो तालिबान का विरोध भी कर रहे हैं। अंदराब इलाके में, मतलब अफगानिस्तान का एक इलाका जिसका नाम है अंदराब, वहां पर तालिबान और विद्रोही गुट के अंदर भीषण लड़ाई हुई कली, जिसमें 50 तो तालिबानी लोग ढेर हो गए और 20 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया। अब तालिबान पर पंजशीर के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। पंजशीर इलाके के जो लड़ाके हैं, वो अपने देश की आजादी के लिए तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लड़ाई का बिगुल फूंक चुके हैं। 50 से ज्यादा तालिबान लड़ाके मारे गए और 20 से ज्यादा को तो अरिस्ट, मतलब वो किडनैप कर लिया, बंधक बना लिया। अब जरा सोचिए, आपकी तालिबान को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अच्छा, चीन की एक नापाक हरकत देखिए दोस्तों, खुलकर तालिबान के समर्थन में आ रहा चीन, आर्थिक मदद कर चरमपंथी संगठन को मजबूत कर रहा। अब ये चीन क्या बोलूं अब मैं इसके बारे में। देखिए, वहीं बड़ी खबर तालिबानी हुकूमत को लेकर एक खबर ये भी है कि तालिबान की धमकी, नाटो 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ले। फ्रांस का जवाब है कि डेडलाइन के बाद भी अपने लोगों को निकालेंगे। फ्रांस ने तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि नाटो को अपनी सेना को हटाने के लिए काबुल से 31 अगस्त तक का समय दिया तालिबान ने। वही देखिए, भारत भी अफगानिस्तान संकट पर 26 अगस्त को विदेश मंत्रालय की एक सर्वदलीय बैठक करने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कल ही ट्वीट करके कहा कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के नेताओं को संक्षिप्त जानकारी देने का निर्देश भी दिया और 26 तारीख को अब यह कुल मिलाकर के भारत सरकार जो मीटिंग करने जा रही है, इसमें भी क्या और डिसीजन लिया जाता है, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। और बाकी अफगानिस्तान संकट समेत कई मुद्दों पर पीएम मोदी ने कल ही जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी बातचीत की, शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया। वह देखिए, अब तालिबान डिजिटल हथियार का भी सहारा ले रहा है, सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस वायरल करके लोगों को धमका रहा। तालिबान की एक सबकी गैल हरकतें हमें देखने को मिल रही है। खबर ये भी है कि तालिबान के वर्चस्व से चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे देश भयभीत हैं, यानी कि डरे हुए हैं, और इसलिए ये देश तालिबान से रिश्ते बनाने के लिए भी उतावले हैं। ये चाहते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान की सरकार के रूप में बन जाए और वहां से, मतलब ये देश जो उनके साथ रिश्ते भी बनाए रखेंगे ताकि इनका व्यापार वगैरह भी चलता रहे। और बाकी देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान ने किया पंजशीर घाटी को भी घेरने का दावा, लेकिन विरोधी बोले कि यहां से दूर रहना, यहां पर अभी भी तालिबान अपना कब्जा नहीं कर पाया। तो ये कुछ माहौल मसला चल रहा है तालिबान और अफगान में। फिलहाल अपन नजर डालते हैं हमारे देश से जुड़ी कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज पर। तो अपडेट देखिए आप, सेवा का अधिकार के तहत ऑटो अपील की सेवा देने वाला हरियाणा बनेगा देश का पहला राज्य। जी हां दोस्तों, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त TC गुप्ता ने कहा कि राज्य के सभी लोगों को निर्धारित समय पर सभी सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए 1 सितंबर से ऑटो अपील की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने जा रहे हैं। तो हरियाणा ये देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर इस तरह की फैसिलिटीज ऑटो सिस्टम पर होने जा रही है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, MCDA ने दिल्ली में मोबाइल टावर शुल्क में बड़ी कटौती की है, सालाना अब सिर्फ इतनी फीस देनी होगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद अब दिल्ली में लगने वाले
वाली मोबाइल नेटवर्क टावर के शुल्क में कटौती को लागू करने का फैसला किया गया। और पहले मतलब मोबाइल टावर लगाने के लिए 10,000 रुपए प्रति महीने की दर से शुल्क प्रस्तावित था। अब SDMC ने नागरिकों को बेहतर मोबाइल नेटवर्क सुविधाएं देने के लिए इसमें कटौती करने का निर्णय लिया है और अब 5,000 रुपए प्रति महीने की दर से शुल्क का बोझ पड़ेगा। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली चोरों की अब खेल नहीं, क्योंकि ड्रोन कैमरे से जो है सरकार नजर रखेगी कि कौन से खंबे से किस तार से किस घर वाले ने स्पेशली डायरेक्ट तार लिए हुए हैं वगैरह वगैरह। साथ ही अपडेट देखिए, LIC IPO को लेकर एक बड़ी खबर आई है। पॉलिसी खरीदने वाले लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। LIC ने IPO को लेकर इस तरह का भी नया प्लान तैयार किया, मतलब कि जो लोग पॉलिसी खरीद चुके हैं LIC की, उनको IPO में भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। अच्छा, Xiaomi यूजर्स के लिए बड़ी खबर देखिए आप, मिनटों में मिलेगा 25 लाख रुपए तक का फायदा। दरअसल दोस्तों, Xiaomi कंपनी अब अपने पार्टनर के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज भी देने जा रही है। और अगर आप भी Xiaomi का मोबाइल फोन या इसके प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं, तो अब आप जिस तरह से मतलब पेटीएम की पोस्ट पेड सर्विस वगैरह जो चलती है ना, उस तरह से Xiaomi भी आपको लोन वगैरह दे सकेगी और इसके लिए कुछ बैंकों के साथ टाइप अप भी किया है। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में इस तरह का नियम लागू होने जा रहा है, सड़क दुर्घटना में मरने वालों को तत्काल मिलेगा मुआवजा। 15 सितंबर से ये नया नियम लागू होगा बिहार राज्य में। मतलब अगर किसी की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है तो तत्काल उनके परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। मरने वालों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। अच्छा, मुंबई में इस बार नहीं होगा दही हांडी का उत्सव आयोजन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। मतलब ये कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह के जो त्यौहार आते हैं जिसमें दही हांडी का जो उत्सव होता है, वो इस बार भी मुंबई में नहीं होगा कोरोना के चलते, है ना। अच्छा, सरसों के तेल को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया और वो ये दोस्तों कि हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि राज्य में जो BPL परिवारों को सरसों के तेल की एवज में सरकार 250 रुपए हर महीने की राशि देती है ना, वो फिलहाल जितने भी पात्र परिवार हैं उन सभी को सरकार हर हाल में भेजती रहेगी। अगर कोई परिवार अपना बैंक अकाउंट PDS डेटाबेस में देरी से अपडेट करता है तो भी उनको पूरी धनराशि अपडेट होने पर तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये मतलब हरियाणा सरकार का कहना है कि अभी मतलब बंद करने की कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट में एक कांस्टेबल ने ये याचिका लगाई थी कि वो दाढ़ी रखना चाहता है, लेकिन हाईकोर्ट ने सेक्युलर छवि का हवाला देते हुए उसकी याचिका को ही खारिज कर दिया। सेक्युलर छवि बोले दोस्तों तो धर्म निरपेक्षता, मतलब कि दाढ़ी रखने के बाद वो याचिका लगाने वाला जो मुस्लिम था, तो ऐसा नहीं हो कि उसको मुस्लिम वाले लोग मुस्लिम धर्म के हिसाब से समझे। तो क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते जनता उनको पब्लिक जो है वो धर्म निरपेक्षता के लिहाज से समझे, तो इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया कि पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है और इसलिए मुस्लिम कांस्टेबल की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, नेशनल हाईवे जैसे अब बिहार के स्टेट हाईवे होंगे, जल्द इस तरह का प्लान बिहार सरकार भी बना रही है। साथ ही खबर देखिए, इंजीनियरिंग संस्थानों में इस सेशन से होंगे एडमिशन, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर सकेंगे आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी। जी हां, AICTE की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक दोस्तों, अब आर्ट्स वगैरह के स्टूडेंट्स भी है ना, अगर ITI इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे, ठीक है ना। राजस्थान में इस तरह का फैसला है। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार पंचायत चुनाव की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। मुखिया और सरपंच चुनाव के लिए नियम और शर्तें भी लागू हो चुकी है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वही खबर देखिए, डाकिया गांव-गांव पहुंचाएंगे सुकन्या योजना का संदेश। 10 साल तक की आयु वाली बालिकाओं के लिए ये योजना शुरू होने जा रही है। सुकन्या समृद्धि योजना को सफल बनाने के लिए अब सरकार जो ना डाक विभाग की मदद लेगी और पोस्टमैन गांव-गांव जाकर लोगों को योजना का संदेश देंगे और मतलब लोगों को अवेयर करेंगे इस योजना के बारे में, ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार के पूर्णिया में बनेगा पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क। सीसू की दीवारों और नई तकनीक से इसका निर्माण किया जाएगा। साथ ही टेक न्यूज के तहत खबर देखिए, कार चालक ध्यान दे, गूगल बंद करेगा ये पॉपुलर ऐप। दरअसल दोस्तों, गूगल का कहना है कि एंड्रॉइड ऑटो ऐप सपोर्ट जो है ना वो स्मार्टफोन के लिए अब बंद हो जाएगा, यानी कि जैसे आप अपनी कार में एंड्रॉइड ऑटो ऑन करोगे, फिर कार की स्क्रीन पर ही आप एंड्रॉइड ऑटो का इस्तेमाल कर पाओगे, गूगल मैप वगैरह का, है ना। फिर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन से यह हट जाएगा ताकि मतलब यूजर ड्राइविंग करते दौरान डिस्ट्रेक्शन ना रहे, इसलिए गूगल कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में ये अपडेट करने जा रही है। वही देखिए, हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात है, जो यात्री कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं ना, उनको अब RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट यानी कि कोरोना की जांच रिपोर्ट देना जरूरी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कोई फूल का नाम लिखिए जो खिलने के बाद सूरज के साथ साथ घूमता रहता है, यानी कि सूर्य जिस दिशा में घूमता है सूर्य की डायरेक्शन में वो फूल भी घूमता रहता है, उस फूल या उस पौधे का नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।